और सुजोई, सुजोई का पास पेनाल्टी क्षेत्र में एक बार फिर से मौका निश्चित रूप से बनेगी। पॉल ने गेंद को अपने कब्जे में रखा है, देखना पड़ेगा कहां पास देना उचित समझेंगे। कादिर के लिए गेंद को बढ़ाया था लेकिन कादिर वहां पर बैक हिल खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद गोल सीमा रेखा से बाहर। और ऐसे में एक कॉर्नर का मौका मिल गया है एलवन वॉरियर्स दुमका की टीम, एफसी ब्रदर टीम पाकुड़ के ऊपर कोशिश करेंगे और वापसी करने के लिए यही मौका एक बार भी से हो सकता है, लेकिन उस मौके का कोई फायदा नहीं मिला। और 15 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अभी तक अच्छा खेल दिखाया है हसीबूर, जो कि 15 नंबर जर्सी में। फिलहाल गेंद कैलिप के पास, हसीबूर खेलने गेंद को पीछे और पास बढ़ाया लेकिन वहां पर भी पास, और जिसके वजह से यहां पर फौरन के खिलाड़ी को मौका मिल गया है रिलीज बॉल। इस बार देखना है साइलेंट एक और कमाल दिखाने की कोशिश निश्चित रूप से होगा। गेंद को बहुत ही फुर्ती से गेंद को क्रॉस किया है और स्टीफन टूडो खिलाड़ी को चकमा दिया, एक और गोल होने की संभावना बनेगी लेकिन मिस किया मौका। क्रॉस से मिल लेता और मौज बॉल को हटिंग दाड़े के ना 13 नंबर जर्सी का खिलाड़ी बाद रहे ये फेडल ना नहीं सब्स्टिट्यूटेड खिलाड़ी के नए 13 नंबर जर्सी का खिलाड़ी लुकस किसको टिक्कू लकड़ा गोल लेता उन्हें बदले रहे नोए खिलाड़ी को आदर की दिया टिक्कू लकड़ा रिप्लेसमेंट ना चला कंधा और उना बात की नोटे को गोल की ना अड़ी लंबा नोटे शॉट लगाओ की ना गोल की पर मगर फले खवारे आने का लेकर आर बिट टेप की कितना मौका को नियमा नोटे दुमका रंटीन दुमका अड़ी की जरूर हुआ बिट्टे गोल किदा ये फर्स्ट राउंड राउंड को अड़ी आसान ते नोटे लगी तो क्वालिफाई के ना ग्रीनलैंड एकेडमी असम कोकराझार असम रेन टीम पाकु सेंटर लेन लगा दे क्वार्टर लगी जगह बनाव लाऊं को लगी और नोटे पाकुड़ लगी नटी मुश्किल को जलब करना चिता जे उनको से खोज गोल बांग गोल करना मीटे गोल अट्टी की लगती पड़ा होगा बराबरी लगी थे बटी मौज को शॉट ले दा मैन खान उनको टीम रैंक खिलाड़ी बाको था के ना और 8 नंबर जर्सी रो का खिलाड़ी अटी मौज बॉल मीटे खिलाड़ी कटाव ले दिया मैन खान बॉल ओडो को गोल लाइन का बाहर थे नेम बगान दुमका रन प्लेयर्स अर्थिन इंजीनियर बुझा पे है ना अब यहाँ गड्डी ठे चला पे आर्मी ते खिलाड़ी रनों ने बदला हुई लगी एफसी ब्रदर्स टीम पकड़ से खोई और जिधे गोल लहा रहे को ओटुक लिखा है गोल स्कोर बांध था क्या नियंत्रण ने 0-0 ना स्कोर लाइन था गोवा लेकिन उन्होंने एक गोल देखो लहा तड़कना आरा आरते मौका है और इस मैच में पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए पाकुड़ की टीम यहां पर प्रयास करेगी कि और एक गोल यहां पर किया जाए लेकिन अभी तक तो रोक के रखा गया है। इस खिलाड़ी का नाम है ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और असिस्ट करने का प्रयास इनका रहा है इसी बीच में साइड लाइन से बाहर और ये थ्रोइंग के साथ ही यहाँ पर बॉल पोजीशन 11 वॉरियर के पास इसी बीच सरफराज को जो उतारा गया है पिच में नए खिलाड़ी थोड़ा सा आप कहें तो एक तरह से सेट पिच ही है लेकिन डिस्टेंस और थोड़ा कम होता तो और बढ़िया चांस बनता 11 वॉरियर के लिए। सुजय यहाँ पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और बहुत ज्यादा खिलाड़ी का यहाँ पर बॉल बनाया है टॉप कॉर्नर में बहुत ही बेहतरीन पंच आउट गोपी उराव के द्वारा अगर थोड़ा सा भी नहीं प्लेइंग को बदला है राइट प्लेइंग से गोलकीपर के लिए इसके बाद लेफ्ट प्लेइंग की तरफ बॉल को बढ़ा रहे हैं। पॉल यहां पर एक बार रेंज को कम करना चाहेंगे निश्चित ही और एक अच्छा क्रॉस का वो प्रयास कर रहे हैं उसको जगह नहीं दे दिया जा रहा है और लगातार अच्छा टैकल पाकुड़ टीम के ओर से पाकुड़ की टीम चाहेगी कि यहां से इस गोल को वापस ना लिए स्लाइड टैकल प्रयास वहां पर लेकिन असफल रहे और साइलेंट एक बार फिर से
साइलेन के खाते में एक गोल है और बहुत ही बेहतरीन ड्रिबलिंग, लेकिन क्या वो के पास है क्लिप। ये बहुत ही मेहनत किए हैं इस खिलाड़ी ने, फॉरवर्ड लाइन को असिस्ट करने का बहुत ज्यादा प्रयास रहा है, लेकिन उनके फॉरवर्ड लाइन अभी तक नाकाम रहे हैं गोल मारने के लिए। इसी बीच में एक बार फिर से यहाँ पर पाकुड़ टीम के खिलाड़ी बाएं फ्लैंक की ओर से बॉल को बढ़ाते हुए, वहां पर अच्छा टैकल लक्ष्मीकांत टीम के कैप्टन दुमका वारियर के ओर से। लक्ष्मीकांत 12 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी खेल रहे हैं और देखना होगा, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, सारा चीज को झोंक दिया है 11 वारियर दुमका ने। और सनी और 11 वारियर्स दुमका की टीम जिस तरीके से अपने खेल को बनाने के जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज यह तारीफ करना होगा, जो हाफ लाइन है, जो डिफेंस लाइन है, बहुत मजबूत है पाकुड़ की टीम का। और यही चीज मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि जिस तरह से पोजीशन को बनाते हैं, विशेषकर जब भी गेंद उनके पेनल्टी एरिया में गेंद आ जाती है तो चार खिलाड़ी पीछे की ओर वो झुक जाते हैं, आ जाते हैं, और उसी का नतीजा है कि कोई मौका दे ही नहीं रहे हैं, कोई सेंध लगाने का मौका दे ही नहीं रहे, और यही एक रणनीति अभी तक इतना कारगर साबित हुआ है। इसी बीच एक मौका निश्चित रूप से देखना है फोपन बाबू, जो नए खिलाड़ी फ्रेश लेग मैदान के जो अंदर आए थे, लेकिन वहां पर हेवी टच होने की वजह से गेंद गोलकीपर के सुरक्षित ग्लव्स में। अभी भी दुमका की टीम एक गोल से पीछे चल रही है, लेकिन खेल अभी भी चलाएगा। 3 नंबर विदेशी मूल के ये पॉल नाम के ये खिलाड़ी अच्छा खेल दिखाया, मेहनत तो बहुत बढ़िया किया है, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसी बीच मानुएल का अच्छा बचाव, थोड़ा सा वहां पर पास देने में गलती किया और डिफेंस लाइन से हाफ लाइन खेल खाए नीथो हरा कुंडर को गति का टीम फुटबॉल क्लब ब्रदर टीम पाकुड़। सेकेंड मैच खेल ले, सेकेंड राउंड का सेकेंड मैच खेल ले ब्लैक स्टोन क्लब चंपांडी और त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब नेपाल। चंपांडी के टीम के मैनेजर से निवेदन, टैलेंट फुटबॉलर है, और हमेशा ही मैं कहता हूं एक मैदान के अंदर खिलाड़ी का नाम से कहीं ज्यादा उसका प्रदर्शन ही सब कुछ बयां करता है। एक मौका निश्चित, लुकास थोड़ा सा वहां पर पास को शेयर किया, शॉट लगाया, लेकिन इस बार गोलकीपर अरंडो के हाथ में गेंद चली गई। और इस खिलाड़ी ने भी काफी मेहनत किए हैं, ये है कैलिप 4 नंबर कैलिप, जो विदेशी मूल के खिलाड़ी है। सुजय से यहाँ पर गेंद पॉल के लिए और पॉल ने वहां पर इसी समय पर अपने खिलाड़ी को यहाँ पर लाया है। नियम मुझे बात करते हैं, 11 वारियर दुमका के ऊपर में एक बार फिर से दबाओ पाकुड़ की टीम का। ये बीच रहे लुकास मैन खान, 11 वारियर फ्रेंड खिलाड़िया घुंटी तकी के बॉल बाहर उड़ुकना, ये बीच रहे कादिर छे बॉल, विदेशी मूल रेन खिलाड़ी मैन खान बनाओ का मौका मैन खान उन्हें जहां तक कुछ फायदा बांध।